हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम योर टीचर मोहम्मद फरीद फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल टंगडार, जून टंगडार। वी आर रीडिंग इंग्लिश 8th क्लास। वी हैव स्टार्टेड ए लेसन जूलियस सीजर लास्ट फ्यू डेज। Inshallah, today it will be the last lecture of this lesson. तो हम पेज नंबर 44 पे पहुँचे हैं। थोड़ा हम नीचे पहुँचे थे, मगर आज फिर सेकेंड लास्ट पैरा से शुरू करेंगे। 44 के पेज नंबर 44 के सेकेंड लास्ट पैरा से। By midday, it already seemed certain that Mark Antony was the winning side. दोपहर होने तक, यानी आधे दिन तक, ऐसा यकीनी तौर पर दिखाई रहा था कि मार्क एंटोनी वाला फरीक जीतने वाला है। A messenger brought news to cases that the enemy was in his camp and he mistaking Brutus's own men for Antony's thought the battle was lost. एक कासिद केसेस के लिए पैगाम लेकर आया कि दुश्मन उनके खेमे में घुस आया है और उसने ब्रूटस को अपने लोगों को एंटोनी के लोग समझ लिया और समझ बैठा कि जंग हारी जा चुकी है। उसके पाले में घुस आए हैं और ये कि जंग हारी जा चुकी है। इन डिस्पेयर नाउमीदी में ही किल्ड हिमसेल्फ विद हिज ऑन स्वर्ड। मायूसी में, नाउमीदी में उसने अपनी ही तलवार से खुदकुशी कर ली। ब्रूटस अराइविंग ऑन द सीन ए शॉर्ट टाइम लेटर फाउंड हिज ब्रदर इन लॉ डेड एंड ही क्राइड आउट बिटरली। कुछ देर के बाद ब्रूटस वहां पहुंचा, अपने भेनोई को, जीजा जी को मरा हुआ देखा और बड़े जोर से चिल्लाया, ओ जूलियस सीजर दो आर्ट माइटी येट दे सिपेट वॉक्स एब्रॉड एंड टर्न्स Our swords against ourselves. ओ जूलियस सीजर, तुम अभी भी ताकतवर हो, तुम्हारी रूह बाहर भटक रही है और हमारी तलवारों को हमारे ही खिलाफ कर रही है। He led the remainder of his army bravely once more against the enemy. उसने एक बार फिर से अपनी बाकी बची हुई फौज की बहादुरी से दुश्मन के खिलाफ क़यादत की। Before long he was defeated and most of his army was taken prisoner. जल्दी ही उसे हरा दिया गया और ज्यादातर फौज को कैदी बना लिया गया। Mark Antony then gave orders that Brutus must be found and brought to Octavius' tent. मार्क एंटोनी ने हुक्म दिया कि ब्रूटस को ढूंढ कर ऑक्टेवियस के खेमे में पेश किया जाए।
But Brutus had killed himself with his own sword. लेकिन ब्रूटस ने अपनी ही तलवार से खुदकुशी कर ली थी। लाइक केसेस की तरह मार्क एंटोनी नीलिंग बिसाइड ब्रूटस बॉडी फेल्ट ए ग्रेट अनहैप्पीनेस फॉर द वेस्टेड लाइफ ऑफ हिज फाइन एंड ऑनरेबल मैन। मार्क एंटोनी ने ब्रूटस की लाश के आगे घुटने के बल बैठकर इस उम्दा और काबिल एहतराम आदमी की जाया हुई जिंदगी के लिए बहुत दुख का इजहार किया। लास्ट पैरा, दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। ये अब उन सब अहले रूम में से सबसे नेक आदमी था। He said, उसने कहा, all the others did what they did in envy of great Caesar. उसने कहा, बाकी सब ने वो किया जो उन्होंने सीजर के हसद की वजह से किया। Brutus was the only one with honest thoughts for the good of the people. ब्रूटस ही सिर्फ एक ऐसा था जो लोगों की भलाई के लिए ईमानदाराना ख्याल रखता था। He stood up and told his soldiers to carry Brutus's body into the camp for honorable burial. और उसने हुक्म दिया कि ब्रूटस की लाश को एहतराम के साथ दफन करने के लिए खेमे में लाया जाए। We must treat him according to his virtue. हमें उसके साथ उसकी खूबियों के मुताबिक ही सलूक करना चाहिए। He finished and said to all the world, उसने ये कहते हुए अपनी बात खत्म की और सारी दुनिया को बताना चाहिए। दिस वॉज ए मैन, ए ब्रेव एंड ऑनरेबल मैन। ये था आदमी, एक बहादुर और काबिल एहतराम आदमी। तो इस तरह हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। शुक्रिया। वस्सलाम।